हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ लाइफ। कैसे हो आप सब? पेपी ने कीबोर्ड दिया और डिशवॉशर सोप, देखो सेम सेम है। थैंक यू चीकू। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हैप्पी करवा चौथ। और बस यहाँ पर तो रात से बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश है, इतनी तेज हवा चल रही है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्लाउडी हो रहा है, ये देखो तो बहुत बारिश हो रही है। और तो बस सुबह हम लोग उठ गए थे, जैसे चीकू का टाइम फिक्स हो गया है तो वही 7 बजे वो उठ ही जाता है। तो मैं वही थोड़ा सा किचन का काम वाम कर रही थी, मतलब अभी मैं वही सोच रही थी कि मैं अभी जल्दी बना के सब कुछ रख लूँगी ताकि शाम होते होते ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी मतलब रात तक कुछ खाना नहीं है, शाम तक कुछ खाना नहीं है। तो फिर स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है बट बाद में थोड़ा सा लगने लगता है, तो इसीलिए जो भी रात का खाना है, जो भी पूरी सब्जी वगैरह है, वो सब मैं मतलब पूरी वूरी तो नहीं बनाऊँगी अभी, बट बाकी थोड़ी बहुत तैयारी करके रखूँगी। और बस मैंने वही पूजा की तो कितनी सारी तैयारियां होती है, क्योंकि वो पता नहीं सबके यहाँ वो चीज़ वो होता है, यानी हम लोगों के यहाँ चौक बनती है तो हम लोग चौक बनाते हैं, और तो वो भी मुझे बनानी है। और बाकी जो हमारा करवा होता है, करवा उसको वॉश करके वो भी सुखाना है, फिर उसमें उसके लिए पूरी वगैरह वो तो मैं शाम को बनाऊँगी, उसमें वो सब रखी जाती है। तो ये सारी पूजा की थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो बस अभी मैं मंदिर थोड़ा सा मतलब वहाँ पे सेटअप कर लूँगी कि कैसे कहाँ पे करनी है, तो बस वही है गाइस। और बाकी और कोई तो टाइम मिला नहीं कुछ भी करने का। और कल जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पर काफ़ी औरतें बैठी हुई थी, मेहंदी वगैरह लगवा रही थी, तो मैं तो मेहंदी मतलब मेरा मैं अच्छी लगती है मुझे मेहंदी लगाना, बट मैं थोड़ा अभी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े हाथ में मेरे एलर्जी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि इस बार मैं स्किप कर देती हूँ। और बाकी वहाँ पर तो लोग लगवा रहे थे, तो बस मैं यहाँ पर अभी सोची हूँ यहाँ पर तैयारी करूँगी नीचे पूजा की, तो बस यहाँ पे सब सही मतलब साफ करके फिर सारा यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। और मुझे लगता तो है नहीं कि आज चांद वगैरह कुछ दिखेगा क्योंकि इतना क्लाउडी हो रहा है और आई डोंट थिंक सो कि दिखने वाला है। तो बस ऐसे ही हमें पूजा करनी पड़ेगी कि हाँ, यही सोच के कि हाँ चांद है उसके पीछे, तो बस ऐसे ही कर लेंगे। और मेन प्रॉब्लम ये है कि हवा इतनी तेज़ है, बारिश इतनी तेज़ है कि बाहर निकल के पूजा करना उसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो यही है कि उस टाइम पे बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बाहर जाके हमें बैकयार्ड में या फिर कहीं अगर हल्का सा कुछ चांद दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा सा, पहले तो ये होता था कि लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमारे बैकयार्ड से चांद नहीं दिख रहा था, तो हम लोग गाड़ी से एक थोड़ा आगे की तरफ गए थे, एक पार्किंग लॉट से दिख रहा था, तो वहाँ से जाके हमने पूजा की थी। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हमने ऐसा किया है, बट इस बार देखते हैं, इस बार तो मुझे लगता है कहीं से भी नहीं दिखेगा, तो जैसा भी है देखेंगे करेंगे। और बाकी और कोई अभी तैयारी और मतलब ऐसा और कोई भी तैयारी मैंने नहीं करी है, क्योंकि पता नहीं कल से मेरी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन सी हो रही है, तो वही है कि मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है ज़्यादा, मतलब जितना मैं एक्साइटेड होती हूँ ना इन सब चीज़ों को लेके, मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहती है मुझे ये सारी चीज़ों को लेके, कोई भी फेस्टिवल है या कुछ भी होता है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन कल से मुझे थोड़ा सा, एक्चुअली कल शाम से हम लोग शाम को गए ज़रूर थे बट मैंने वहाँ खाना भी मेरे से नहीं खाया गया, थोड़ा सा मैंने खाना भी खाया था, तो थोड़ा सा अजीब सी हो रही है तबीयत, पता नहीं क्यों हो रहा है, हो सकता है वेदर चेंज की वजह से क्या है पता नहीं, बट हल्का सा डाउन सी रह रही है, तो इसीलिए मतलब मैंने अभी कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं देखे हैं। और वही हमेशा हमेशा का यही होता है कि मुझे जितनी एक्साइटमेंट होती है उतनी मेरा कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब वही तबीयत वबीयत का कुछ हो जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है चीज़ें, उस तरीके से मैं कर नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए देखती हूँ, क्योंकि ये सारी तैयारी तो बहुत ज़रूरी है, पूजा की खाने की ये तो करनी ज़रूरी है, बाकी और चीज़ों का ये है कि ठीक है जितना होगा होगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं,
तो बस मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी, अगर ज़्यादा मतलब वैसा फील नहीं होता है, मतलब ज़्यादा वीकनेस नहीं लगती है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज देखूंगी मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ भी पहन लूँगी। और वैसे मतलब हाँ, हर साल तो हमारा यही होता है कि हम लोग टेम्पल भी जाते थे शाम को, तो शाम को वहाँ पर पूजा होती है, तो वहाँ पे काफ़ी औरतें आती हैं, तो वो होता है ना कि थाल बदलनी होती है, जैसे ऐसे राउंड राउंड जैसे लोग बैठ जाते हैं सर्कल में और एक दूसरे की थाल बदलते रहते हैं, और पंडित जी जो हैं वो करवा का वो गाते रहते हैं, तो वो वैसे ही मतलब हर साल हम लोग, मैं अपना थाल वगैरह लेकर जाती हूँ वहीं पे जाके ये सब पूजा, वैसे घर में पूजा करके फिर वहाँ जाके भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बस वो थाल पकड़ बदलनी होती है, पंडित जी वो अपना वो जो पूजा का मंत्र है वो करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा होता है। अब इसको भी थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है, तो लेकिन अभी देखते हैं आज का, तो देखते हैं मौसम का ही ऐसा है कि कुछ मतलब इसके भी नोज़ी आ रही है सुबह से, कल रात से आ रही है, और मेरा भी वही हो रहा है, तो यही हो जाती है सारी चीज़ें, अटक जाती हैं, छींके जा रहा है, कितनी छींक आ रही है ना, जबकि हमने हीट ऑन करके रखी हुई है, सुबह उठते ही हम हीट ऑन कर देते हैं कि ठंड ना लग जाए, बट फिर भी लगी जाती है, जैसे जो लगना होता ही है। तो बाकी हम लोग फिर शाम को देखेंगे कैसे क्या होना है, और बाकी मैंने ये अभी यहाँ पर अपने जो करवा कहते हैं उसे आई थी, उसको करवा निकाल के रख लिया है, ये मतलब वैसे ये तो उसका है, ओके जी, ये तो मिट्टी के हैं, लेकिन मेरे जो मतलब इंडिया में रखा हुआ है वो पीतल का है, और वो काफ़ी हैवी है, बड़ा होता है और हैवी होता है, तो वो तो मैं यहाँ ला नहीं सकती थी, तो वो मेरे घर में ही रखा हुआ है, क्योंकि वही शादी में वही शायद मिलता है, उसी की मतलब पूजा होती है, बट उस वो इतना हैवी है कि वहाँ से यहाँ लेकर आना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने यही किया था कि यहाँ पर यही खरीद लिए थे, और हर मैं इसी को ही रख लेती हूँ वॉश करके, तो मैं इसको हर साल मतलब हर साल इसी से ही मैं कर लेती हूँ पूजा, तो बस गाइज यही है, और बाकी चीकू क्वाइट, और बस यही है कि जैसे मैंने बताया था चौक बनती है, तो चौक के लिए ये आटा और थोड़ा बहुत कुछ कुछ जो कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए वो थोड़ा बहुत करती, क्योंकि शाम होते होते भी बहुत सारे काम रह जाते हैं, ये करना था वो करना था, तो मुझे तो एक्चुअली याद ही नहीं रहता कि होता क्या था, हर साल कैसे क्या करती थी मैं, क्या होता था, तो मुझे पूछना पड़ता है, तो फिर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आता है, तो तब मैं करती हूँ, वरना मुझे कभी याद नहीं रहता कुछ भी तो बस गाइज यही है, और तो चलिए गाइज मैं फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, और बाय। हेलो गाइज, तो बस अभी मैं नहा कर आई हूँ, और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है बाहर, मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, देखो आप ये देखिए कैसे पेड़ हिल रहा है, बहुत ही बुरा हाल है, मतलब इतना ख़राब हो रहा है मौसम कि वही है ना कि तबीयत भी इस चक्कर में सबकी ख़राब हो रही है, तो कुछ भी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी करने की, और वही अचानक से ठंड लगने लगती है, फिर थोड़ा सा गर्म लगता है, तो अभी तो मैंने बस स्वेटर पहन लिया है, और हीट तो चल ही रही है कंटिन्यूसली, और वही चीकू को भी ज़ुकाम हो रहा है थोड़ा, तो मुझे तो उसका ही डर लगता है कि अभी तो उसकी तबीयत ठीक हुई थी और तबीयत अब दोबारा ना ख़राब हो, क्योंकि फिर उसका स्कूल का सब रह जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है, परेशान हो जाता है, तो बस यही है अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है, तो अभी मैंने मतलब अभी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वही है कि जब तबीयत नहीं सही लगती है तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं होता, हिम्मत भी नहीं होती कुछ करने की, तो अभी तो वही चल रहा है, और बाकी देखती हूँ मैं, अगर कुछ कर पाई तो करूँगी, वरना ऐसे ही रहने दूँगी, तो चलिए गाइज ठीक है, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला,
आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल डाल सकते हो। और बस मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो देखिए गाइस, थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए। साबुत बड़ी इलायची, इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। इससे यही होता है कि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से सब्जी में आ जाती है, तो इसको अच्छे से फ्राई करना चाहिए। फिर मैंने जिंजर गार्लिक अनियन का पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया है। इसको भी आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे ब्लैक पेपर है, लौंग है, वो मैंने डाल दी है। पहले डालने से ये होता है कि तेल से वो चिटक जाती है तो बाहर आ जाती है। और ये अब हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, 3 टेबल स्पून हल्दी, और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। तो आप हल्दी और धनिया पाउडर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मसाले तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जैसा आपको ठीक लगता हो। लेकिन मैं इसमें ऐड करती हूँ एवरेस्ट का छोले मसाला, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लगभग 1 चम्मच, बस स्मेल आ जाए इसलिए। और MDH का चना मसाला, तो ये दोनों मसाले मैं ऐड करती हूँ इसमें, इससे अच्छी स्मेल आ जाती है। और हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चने छोले इस तरीके से चीज़ें बनाने से नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें थोड़ी, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए गाइस, मसाला हमारा फ्राई हो गया है, तेल अलग हो गया। अब मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो डाल दी है। लेकिन टमाटर के डालने के बाद मैं टमाटर को बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ, तो इसको भी हम फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए गाइस, अब हमारा टमाटर भी फ्राई हो चुका है। तो मैंने छोले उबाल के रख लिए थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। छोले के साथ में ही जब मैंने छोले उबाले थे उसी में नमक मिक्स कर लिया था, तो नमक अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो छोले उबले हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा छोले रेडी हैं। थोड़ा सा पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, और ऊपर से मैंने अब धनिया डाल दिया है चॉप करके। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला, तेल को गर्म होने देंगे। थोड़ा सा अनियन मैंने चॉप किया हुआ रखा था, वो डाल दिया। बहुत फाइन चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। ये मैंने धनिया, खड़ी साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया 2 हिस्सों में, उसको मैंने डाल दिया है।
ये मैं आलू बना रही हूँ। इसमें आलू बनाने की तैयारी करने में कर रही हूँ, तो इसको बस अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। तो आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं अलग से, उसको मैंने कट कर लिया है। बाकी अलग से मैं ये अभी तो प्याज और ये सब मसाले भून रही हूँ। हल्दी डाली एक छोटा चम्मच और धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अब मैंने देखिए आलू काट लिए थे बॉइल्ड करे हुए, उसको डाल दिया है। अब इसको आलू के साथ में अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप चाहो तो थोड़ी देर इसको और भी फ्राई कर सकते हो, और करारा करना चाहो तो आप और भी कर सकते हो। ऊपर से इसमें मैं धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। एक्चुअली मैं इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, तो उसमें थोड़ा मिक्स करने के लिए भी अच्छी स्मेल आ जाती है। और बाकी एंड में थोड़ा जब आलू और अच्छे से भुन जाता है, अब देखिए और आलू और अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब उसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया और डाल दी है। तो धनिया डालने के बाद भी आप थोड़ी देर फ्राई कर सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। हेलो गाइस, तो बस मैं अभी थोड़ी सी तैयारी सोचा मैंने कि कर लेती हूँ। तो मैंने ये एंकलेट निकाला है पहनने के लिए, और ये मैंने अभी एक बार भी नहीं पहना, ये नया ही है। तो ये और इसके साथ में सोची हूँ ये बिछा पहन लूँ, क्योंकि ये मैच हो रही है। तो बस ये अभी निकाला है पहनने के लिए, और एक ये रिंग निकाली है तो ये पहन ली है मैंने। और बाकी देखती हूँ, अभी तो मैंने ड्रेस का तो अपना कुछ देखा नहीं कि क्या पहनना है ड्रेस में, तो मैं देखूँगी अभी उसके मैचिंग के, फिर कुछ देखूँगी गले का या कान के कुछ लगेगा मैचिंग का तो वो निकाल के पहनूँगी। हेलो गाइस, तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। और बस पूरा टाइम निकल गया सारी तैयारी करने में, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बस रेडी हो गई। अब बस पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ तैयारी थोड़ी सी। तो मैंने ये पूजा की सारी तैयारी कर ली है, और बस अब ये पूजा करके फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और वैसे भी चाँद का तो वही है कि चाँद का पता नहीं क्या है, बाहर देखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है गाइज, मैं फिर पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज हमने बस पूजा कर ली है, और हम लोग अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। बस मैं खाना निकाल रहा हूँ। ये इतने दिनों से गायब थे, आप लोगों को दिखे नहीं होंगे, क्योंकि ये मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैं बहुत ऑफिस का काम था मेरा, बिजी था काफी, इसलिए मैंने भी नहीं बोला। मैंने कहा तुम मत आओ सामने, रहने तो कोई जरूरत नहीं। तो मैंने डिस्टर्ब मेरा ऑफिस का काम ही चलता रहता है, तो ऑफिस का काम इनका आज भी इनका ऑफिस का काम था, और अकेले मैंने सब कुछ किया है। और मैं रोई भी आज, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और लेकिन ठीक है। अचार लोगी तुम? यू वांट अचार? ले लूंगा। तो मैंने देखिए ये बनाया है, ये छोले, ये भटूरा बनाया है, पूरी बनाई है, छोले बनाए हैं, और आलू की सूखी सब्जी बनाई है। भिंडी भी तो रख, भिंडी भी तो है, भिंडी भी निकालता हूँ। भिंडी बहुत भूख भी है, तो बस अब हम लोग मिठाई, अच्छा हो जाओगे हाँ, तो मिठाई भी है और बस यही सब। तो चलिए गाइस हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर सोने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूँगी, फिर चलिए।